अब तक का सबसे बड़ा साइबर हमला दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट्स में से एक ट्विटर के इंटरनल टूल्स में हुआ हैक। ट्विटर के सीईओ ने कहा कि ये जो हुआ है वो अब तक का सबसे बड़ा साइबर अटैक है। वेडनेसडे यानी बुधवार की शाम को अचानक एलन मस्क, जो दुनिया के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर जिनके करोड़ों फैंस और फॉलोअर्स हैं ट्विटर पर, तो उनके वेरीफाइड ओरिजिनल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट होता है और उस ट्वीट में लिखा होता है कि आप लोगों ने यानी समाज ने मुझे बहुत कुछ दिया, तो अब मेरी बारी है समाज को कुछ देने की। मैं अपने फॉलोअर्स से अपील करता हूँ, आप सब मेरे इस अकाउंट पे करीब $1,000 के बराबर बिटकॉइंस भेजिए और बदले में उसी देर में मैं आपके अकाउंट में $2,000 के बराबर बिटकॉइंस भेजूंगा और आपके पास केवल 30 मिनट यानी आधा घंटा है। आप इमेजिन कीजिए कि अचानक से अगर हमारे भारत के प्रीएम यानी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अगर ट्वीट करते हैं इस कोरोना काल के संकट में आप लोगों ने सभी ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया है, तो अब मेरी बारी है आपको कुछ देने की, तो सभी लोग अपनी क्षमता के अनुसार मेरे पास रुपए भेजिए और कुछ ही देर में मैं आपके अकाउंट में इससे डबल यानी दुगना राशि पे आ जाएगी। और अगर ऐसा मैसेज आया तो क्या लगता है आपको कि हमारे भारत की भोली भाली जनता क्या करेगी? जी हाँ दोस्तों, वो भेज देगी अपनी क्षमता के अनुसार। एलन मस्क के ट्विटर हैंडल को हैक करके जब ये ट्वीट किया गया तो उनके फैंस और फॉलोअर्स ने बिटकॉइन भेजना शुरू कर दिया, तो तभी ट्विटर की टीम ने भांप लिया कि ये और कुछ नहीं बल्कि एक बिटकॉइन स्कैम है, तो उस टीम ने कुछ ही देर में एलन मस्क के ट्वीट को डिलीट कर दिया। तो अब आपको क्या लगता है कि ये ट्वीट यानी ये हैकिंग का मामला यहीं थम गया? नहीं दोस्तों, ये और बढ़ता गया। तभी एक अगला ट्वीट सामने आया और वो ट्वीट किया गया था बिल गेट्स के ट्विटर हैंडल से। जी हाँ दोस्तों, वही बिल गेट्स जो दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक है। आप खुद सोचिए कि अगर एक ऐसा आदमी ट्वीट करे यानी एक ऐसा इंसान ट्वीट करे जो सोशल सर्विस करता हो, लोगों की मदद करता है, तो सभी उस बात पर आराम से विश्वास कर लेंगे यानी यकीन कर लेंगे। उनके भी ट्विटर अकाउंट से हुआ सेम ट्वीट, जैसा कि एलन मस्क के ट्विटर से किया गया था और उसमें वही लिखा था कि आप लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तो अब मेरी बारी है आपके लिए कुछ करने की। तो सब इस अकाउंट पर $1,000 के बराबर यानी उसके करीब बिटकॉइन भेजिए तो तुरंत आपके पास यानी आपके अकाउंट में $2,000 के करीब बिटकॉइन आ जाएंगे। और यह हैकिंग इवेंट यहाँ नहीं रुका यानी यहाँ नहीं थमा और बड़े बड़े लोगों के अकाउंट से हैक होते गए। उसके बाद अगला ट्वीट सोचिए किसका आया हो। तो फ्रेंड्स, अगला ट्वीट आया अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के अकाउंट से और ऐसे ही सेम ट्वीट बहुत बड़े बड़े लोगों के अकाउंट से ट्वीट किए गए। और उसके बाद ये देखते हुए ट्विटर की टीम ने एक एक करके सारे ट्वीट को डिलीट करना शुरू कर दिया। इसमें बहुत समय लग गया। अंततः ट्विटर की टीम को बड़ा फैसला उठाना पड़ा। वो जो फैसला उन्होंने लिया वो फैसला था सारे ब्लू टिक्स वाले अकाउंट की पोस्टिंग सर्विस यानी पोस्टिंग एबिलिटी को डिसेबल कर दिया जाए। मतलब जिनके भी अकाउंट पर ब्लू टिक था वो ट्वीट नहीं कर सकते थे और ऐसा ट्विटर की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था। मतलब ये अनएक्सपेक्टेबल एक्शन था ट्विटर की हिस्ट्री में, पूरी हिस्ट्री में यानी जब से ट्विटर शुरू हुआ आज तक ऐसा कदम उन्हें कभी नहीं उठाना पड़ा और ये आज इन्हें उठाना पड़ा था। जितने भी घंटों की देरी लगी थी तब तक उन स्कैमर्स ने जो अकाउंट दिया था उसमें करीब 75 लाख यानी 75 लाख रुपीस के बराबर बिटकॉइन जा चुके थे, इस सोच में कि पैसा डबल हो जाएगा। सोचिए अगर हैकर्स चाहते तो कितने बड़े हमले को अंजाम दे सकते थे। और अगर ऐसी पर्सनल जानकारी जैसे कि यूजर नेम, पासवर्ड आदि, वो भी दुनिया की जाने माने लोगों की, वो उन्हें ब्लैकमेल करके कुछ भी करवा सकते थे। और इसके कोई परिणाम नहीं, इसके दुष्परिणाम होते यानी डिसएडवांटेजेस ही मिलते। सोचिए कि ये कितना खतरनाक हो सकता था। हमारे हिसाब से सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर उसे चलाने के लिए यानी उसे यूज करने के लिए लोगों की नहीं बल्कि AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेनी चाहिए, नहीं तो कभी भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। क्योंकि हम इंसान क्यूरियस
यानी जिज्ञासु तो होते ही हैं और साथ में लालची भी होते हैं। आपका क्या मानना है कि ऐसी ही सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट को ऐसा बदल देना चाहिए जिससे यूजर की नहीं डाटा यानी जो हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है कहीं भी शेयर ना हो पाए? और ज्यादातर घटनाएं इसलिए ही होती हैं क्योंकि लोगों का यूजर नेम पासवर्ड वगैरह गलत लोगों के हाथ पहुंच जाता है और वो उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। क्या मानना है आपका कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को खोलकर शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करके बने रहिए हमारे साथ क्योंकि बहुत बड़ा धमाका होने वाला है जल्द और बेल आइकन को भी ऑन कर दें।